नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका श्री बालाजी कंप्यूटर्स में। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि आपका बिजली का बिल उसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और आप उसे खुद पे कर सकते हैं। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि बिजली दफ्तर में बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं बिल पे करने के लिए, तो हमको मजबूरी में किसी एक शॉपकीपर के पास जाना पड़ता है, किसी एक रिटेलर के पास जाना पड़ता है अपना बिजली बिल जमा करवाने के लिए, और वो हमसे हमारे बिजली बिल की अमाउंट से एक्स्ट्रा 20 रुपीज 30 रुपीज वो हमसे चार्ज करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उसको आप पे कर सकते हैं, और इवन आपको अपना बिजली बिल पे करने का कैश बैक भी मिलेगा, यानी कि आप पैसे बचा भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोज और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पंजाब में हूं, तो पंजाब में आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे चेक कर सकते हैं? पंजाब की जो पावर सप्लाई की जो कंपनी है जिसका हम नाम है वो है PSPCL, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हम PSPCL यहां पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं पे बिल का ऑप्शन है, आप इंस्टा बिल पेमेंट पर जा सकते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको पंजाबी में लिखा हुआ भी मिलेगा कि बिजली का जो बिल है उसका आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, आपको लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, आपके टाइम की बचत होगी और आपके पैसे की बचत होगी। और यहां पर आप नीचे देख सकते हैं कि अगर आप इसको पेटीएम के द्वारा अपना जो बिजली बिल है उसको आप पे करते हैं तो उस पर आपको कैश बैक भी मिलेगा, और अगर आपको कैश बैक के अलावा भी आपके वहां पे जो इनाम है, कुछ ड्रॉ है, वो वहां पर निकल सकते हैं। तो जैसे कि हम इंस्टा बिल पेमेंट पर आ गए हैं, यहां पर आप देखेंगे कि आपको बहुत से जो ऑप्शंस हैं वो वहां पर मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपने अपनी बिल हिस्ट्री चेक करनी है तो आप यहां पर जा सकते हैं। बिल रिसिप्ट, आपने जो पिछले किसी बिल की जो रिसिप्ट है वो आपने डाउनलोड करनी है, या आपने अभी अपना जो बिजली का बिल पे किया है और उसकी रिसिप्ट आपको चाहिए तो आप यहां पर जा सकते हैं। फिलहाल हम जैसे कि यहां पर बिल हिस्ट्री चेक करते हैं। बिल हिस्ट्री पे जब हम जाते हैं तो यहां पर वो आपका अकाउंट नंबर, जो आपका बिजली का मीटर होता है उसका एक अकाउंट नंबर होता है, वो यहां पर आपसे मांगेगा। तो यहां पर हम अपना अकाउंट नंबर फिल कर देते हैं और यहां पर हम ईयर सिलेक्ट करते हैं कि हमको कौन कौन से ईयर का जो बिल अमाउंट है, बिल हिस्ट्री है, हमको चेक करनी है, और शो बिल हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर आपको दिखाएगा कि हमारा जो इस ईयर में हमारे दो बिल जो हैं वो आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आए हैं, दोनों ही 950 रुपए अमाउंट के थे, एक 22 जनवरी को था और एक 1 अप्रैल को था। तो ये हमारे बिल्स हैं। अगर आप अपना जो बिल है उसको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप व्यू बिल पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप व्यू बिल पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो बिल है वो आपको डिटेल में यहां पर शो हो जाएगा कि आपका क्या बिल है, क्या आपकी ओल्ड मीटर रीडिंग है, क्या आपकी न्यू मीटर रीडिंग है, कितनी डेट से लेके कितनी डेट तक का बिल आपके पास जो आया है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। इसी तरह से आप यहां से अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। बिल पे पर अगर आप जाएंगे और यहां पर आप दोबारा से अपना अकाउंट नंबर जो है वो एंटर करेंगे, अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं, व्यू बिल कर सकते हैं। जैसे ही हम यहां पर सबमिट करते हैं तो ये आपको दिखा देता है कि हमारा जो इस महीने का या हमारे पिछले दो महीने का, तीन महीने का कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है, सिर्फ यहां पर हमारा जो बिल है वो पे हो चुका है और उसकी हम जो रिसिप्ट है, डाउनलोड रिसिप्ट एज पीडीएफ, वो पीडीएफ की रिसिप्ट हम यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपना जो बिल है वो यहां से आप पे कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही हमने एंटर अकाउंट नंबर लिखकर सबमिट किया था तो यहां पर ऊपर आ गया है सक्सेस, योर लेटेस्ट अवेलेबल बिल फॉर दिस अकाउंट नंबर हैज ऑलरेडी बीन पेड। अगर आपका बिल पेड नहीं होगा तो आप सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेमेंट गेटवे शो होगा, और पेमेंट गेटवे जब शो होगा वहां पर आपको
पेमेंट के ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, आप पेटीएम से करना चाहते हैं, भीम से करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, तो वहां पर आप पेटीएम सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा ही पेटीएम पर जाए, पेटीएम में आप लॉग इन करें, पेटीएम को आप अपने मोबाइल से भी लॉग इन कर सकते हैं, सेम टू सेम प्रोसीजर होता है। पेटीएम पर जाने के बाद आप यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जाएंगे, यहां पर आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने पंजाब सिलेक्ट किया, यहां पर आप देखेंगे कि पीएसपीसीएल उसने पहले ही शो कर दिया, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहां पर आप अकाउंट नंबर डालेंगे, जैसे हमने वहां पर डाला था, जैसे ही हमने अकाउंट नंबर डालेंगे तो यहां पर आप व्यू सैंपल बिल यहां पर चेक कर सकते हैं, ये आपको दिखा देगा कि इस तरह का सैंपल बिल होता है, यहां पर आपका अकाउंट नंबर होता है, और यहां पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही, अब यहां पर भी आप देख सकते हैं, दे आर नो पेंडिंग ड्यूज फॉर द डिटेल्ड एंटर अकाउंट नंबर, तो यहां पर भी जैसे हमारा बिल हमने आपको बताया कि पे हो चुका है, तो यहां पर इसका कोई डिटेल नहीं आएगा। जैसे ही आप बिल पे करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम आपको वो पेमेंट की ऑप्शन मिलेगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग की। तो यहां से आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अपना इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो आप पे कर सकते हैं, और आप बाद में बैंक को उसका पैसा दे सकते हैं। इस तरह से आपको कुछ और टाइम मिल जाता है अपना बिल पे करने के लिए, और इसमें आपको कैशबैक भी मिलता है, 2000 तक का आपको कैशबैक मिल सकता है, और आपको और भी यहां पर बहुत से फायदे हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ये थी हमारी आज की जानकारी कि किस तरह से आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। जैसे कि हमको बिल पेमेंट करने के लिए 20 दिन मिलते हैं, 20 दिन के बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड से अपना बिल पे करते हैं तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए भी हमको 50 दिन मिलते हैं। तो इस तरह से आपको अपने बिल की अमाउंट पे करने के लिए 70 दिन मिल जाते हैं, और 70 दिन बहुत होते हैं दोस्तों, तब तक हम कैसे भी वो पैसा बैंक को पे कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकें। आपके टाइम की बचत हो, आपके पैसे की बचत हो, और आपको लाइनों में भी खड़ा ना रहना पड़े, बल्कि आपको अपना बिल पेमेंट करने के ऊपर कुछ कैश बैक मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए, क्लिक ऑन द वीडियो लिंक्स एंड एंजॉय लर्निंग। बाय बाय।